दोनों अघोरी करते हैं मुर्गों के साथ सबको। सामान्य देवी देवताओं में से माँ काली को एक ऐसी देवी के नाम से जाना जाता है जिनके क्रोध को शांत करना बेहद मुश्किल है। खुले बाल, काला शरीर, उनकी आंखें माँ काली के स्वरूप को यह चीजें बेहद खौफनाक बना देती हैं। माँ काली के रूप को देखकर कोई भी इंसान भयभीत हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है तंत्र साधना को लीप अघोरी माँ काली को प्रसन्न करने की कोशिश क्यों करते हैं? शिव का रूप भी दुनिया को रहस्य से भर देता है। माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं शिव को उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा। अघोरी जो तंत्र यंत्र साधना को अपना धर्म मानते हैं, वह भगवान शिव के साथ साथ काली को क्यों प्रसन्न करते हैं? अघोरियों का उनसे शक्ति हासिल करने के लिए ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। काली की पूजा साधना या परंपरागत पूजा से बिल्कुल भिन्न होती है। यह काली एक साधारण देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण को आकर्षित करती है। अघोरी यह मानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो काली का ही अंग है, उन्हीं में जाकर मिल जाएगा, इसलिए इस ब्राह्मण की कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, लेकिन महा काली का स्वरूप यह स्पष्ट करता है कि स्त्री अगर चाहे तो वह ताकत से ताकत व्यक्ति को भयभीत कर सकती है। काल या समय को माप देने वाली काली एक देवी योद्धा है जिन्होंने युद्ध में अपने सामने आने वाले हर शत्रु का मजबूती से सामना किया। अघोरी शिव या महाकाल के शिव की पूजा के साथ साथ स्त्री स्वरूप काली या मुक्ति की देवी की आराधना करते हैं। अन्य साधुओं के लिए मांस या मदरा यह शारीरिक संबंध जैसी चीजें पूरी तरह अनिषेध होती हैं। लेकिन अघोरी यंत्र शांत्रों द्वारा कराई जाने वाली आराधना की मुख्य शर्तें होती हैं। अघोरियों के दृष्टिकोण से मांस का सेवन यह साबित करता है कि सीमा शब्द उनके लिए कोई मान्य नहीं रखता और सब कुछ एक ही धागे से बंधा हुआ है, इसलिए वह इंसान के मांस के साथ साथ उनके रक्त का भी सेवन करते हैं। बहुत से अघोरी अपनी साधना पूरी करने के लिए मृत शरीर से संभोग भी करते हैं और स्वयं ही मुद्रा का सेवन करते हैं, आराध्य को अर्पण करते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत 10 ऐसी देवी देवता हैं जो अघोरी दर लौकिक प्रदान करती हैं। काली उन्हीं में से एक देवी हैं। अघोरी अपनी आराध्य माँ काली की पूजा 3 स्वरूप में करते हैं, भैरवी, बांग्लामुखी और धूमवती। इसके अलावा भगवान शिव भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में पूजते हैं। हिंगराज माता अघोरियों की संरक्षक मानी जाती हैं। पौराणिक दस्तावेजों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार शक्ति के रूप में काली के ब्राह्मण को सुचारू रूप से चलाती हैं। अघोरी काली की पूजा इसलिए भी करते हैं क्योंकि काली को मोक्ष प्रदान करने वाली कहा जाता है। काली शब्द का उद्भव संस्कृति के काल अर्थात समय से हुआ है।